Good morning students, in the previous video we were reading the chapter and we were on the page number 51. So today we are going to continue with it. तो हमने पढ़ लिया था कि मिस्टर अली जो है वो गेस्ट रूम की तरफ पहुँच गए थे एंड उन्हें कुछ परछाई टाइप दिख गई थी और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे. मिस्टर अली फेल्ट श्योर इट वॉज अ वोल्फ दैट वॉज अटैकिंग हिम. तो मिस्टर अली को क्या लगा कि ये ज़रूर कोई वोल्फ है जो उन पर अटैक कर रहा था. ही हर्ड अ बकेट रोल ओवर विद अ क्लैंग. नेक्स्ट द वॉश जग केम फ्लाइंग एट हिम. और एक जो जग था पानी का वो बिल्कुल उड़ते हुए उनकी तरफ आया. नॉट एन ऑर्डिनरी वुल्फ फॉर सर्टेन बट सम मॉन्स्टर ऑफ एन ईविल स्पिरिट. तो उनको लग रहा था कि एक ऑर्डिनरी वुल्फ नहीं है बल्कि ये कोई आत्मा है. वुल्फ की कोई मॉन्स्टर वुल्फ की कोई आत्मा है. जंपिंग ओवर अनदर बकेट ही वॉज ट्राइंग टू डॉज इज अटैकर. तो वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे एंड ही केप्ट येलिंग एंड स्क्रीमिंग फॉर हेल्प एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. तो वो वहाँ से चिल्ला ही रहे थे कि मुझे बचाओ और वो वहाँ से बहुत तेज़ अपनी आवाज़ निकाल कर हेल्प मांग रहे थे. द सर्वेंट्स वर इन द बेडरूम ट्राइंग टू ब्रेक डाउन द डोर. तो जो सर्वेंट्स थे जो नौकर थे वो उस डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे एंड मदर वॉज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड रिंगिंग हर हैंड्स. और जो मदर थी वो बाहर अपने हाथ को उनके जो हाथ है वो कप कप आ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी तो वो वैसे बस बाहर खड़ी हो गई थी. बॉस्को केम रनिंग अप बार्किंग लाउडली. और बॉस्को भी बहुत तेज़ भागते हुए आया बार्क करते हुए. फॉर वंस मदर डिड नॉट टेल हिम टू बी क्वाइट बट सैड. और मदर ने उसे चुप रहने को भी नहीं कहा बिकॉज शी वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग. देन शी वॉज क्वाइट. दैट्स राइट बॉस्को गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग. तो फिर उसके बाद मम्मा ने बोला कि बॉस्को अंदर जाओ और देखो कि क्या हो रहा है. एंड इट वॉज बॉस्को हु लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. इंस्टेड ऑफ रनिंग इन टू द बेडरूम ही रैन अराउंड टू द कोर्टयार्ड डोर दैट पायल हैड बोल्टेड. तो बॉस्को ने क्या किया वो बेडरूम की तरफ ना भागकर वो वहाँ भागा जहाँ पे पायल ने उसको बांधा था कोर्टयार्ड की तरफ. देयर ही बिगिन बार्किंग इवन मोर फ्यूरियसली. और फिर वहाँ पे वो और तेज़ तेज़ भौंकने लग गया जहाँ पर वो कोर्टयार्ड के पास गया जहाँ पे पायल ने डोंकी को बांधा था. हियरिंग दिस न्यू कमोशन अ मॉब पाउंडिंग ऑन वन डोर एंड सम ह्यूज बीस्ट लैवरिंग एट द अदर. मिस्टर अली थॉट मोर ईविल स्पिरिट्स हैड कम टू हेल्प देयर फ्रेंड फिनिश हिम ऑफ. तो ये सब देखकर वो बॉस्को का भी वॉइस सुनकर उन्हें क्या लगा मिस्टर अली को ये लगा कि अब और सारी आत्मा आ गई हैं जो अपने दोस्त की मदद करने आ गई हैं ईविल स्पिरिट की मदद करने आ गई और मुझे मारना चाहती हैं. हिज श्रीक्स ग्रू इवन लाउडर. और फिर वो और तेज़ी से चिल्लाने लगे एडिंग स्टिल मोर वॉल्यूम टू द नॉइस. और उनने अपनी वॉल्यूम जो है वो चिल्लाने का तरीका और ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि वो और ज़्यादा डर गए थे. नाउ कम टू पेज नंबर 52. पायल वॉज बोथ फ्राइटेंड एंड एंग्री. अब पायल डरी भी हुई थी और गुस्सा भी हो रही थी. एंग्री एट बॉस्को फॉर गिविंग हर अवे. और वो बॉस्को के ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी. हर मदर सॉ वेयर द डॉग वॉज पॉइंटिंग एंड क्विकली अनबोल्टेड द बाथरूम डोर. और फिर मदर ने देखा कि डॉग जो है वो किस तरफ भौंक रहा है और वहाँ पे उसने जाकर उनकी जो मदर थी उन्होंने उस डोर को खोल दिया. वो था बाथरूम का डोर जिसके पास जाकर बॉस्को शोर कर रहा था. एज इट फ्ल्यू ओपन अ परस्पिरेटिंग टेरिफाइड ओपन माउथेड मिस्टर अली केम चार्जिंग आउट. और जैसे ही वो खुला तो वहाँ पे चिल्लाते हुए मुँह खुला हुआ था अली. मिस्टर अली वहाँ से भागते हुए बाहर आए. Right on his heels came the laundryman's donkey after him. और उनके बाहर निकलने के बाद ही laundryman का donkey भी उनके पीछे आया. The two ran straight for the garden at breakneck speed, trampling the plants, overturning flower pots. और फिर वो दोनों ही donkey और Mr. Ali दोनों भागते हुए garden की तरफ गए. पूरा सब कुछ उलट पुलट कर दिया उन्होंने. plants, flower pots, and on the donkey ran quite sure that he could only escape from this madman by getting home to his village as quickly as possible. और donkey ये सोच रहा था कि मैं इस पागल इंसान से बच सकता हूँ जब मैं यहाँ से भाग जाऊँ और सीधा अपने गाँव चला जाऊँ, जल्दी अपने गाँव पहुँच जाऊँ. The servants caught up with Mr. Ali in the garden. और servants ने Mr. Ali को रोका. Where he had given up being out of breath. और बिल्कुल उनकी सांसें फूल रही थी. It was a long, long time before they could convince him that everything was all right. और वो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे. वो इतना डरे हुए थे कि वो सारे के सारे जो servant नौकर लोग थे उन्हें
काम डाउन कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भूत कुछ आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं है. दे कैप्ट एक्सप्लेनिंग दैट इट वॉज ओनली द लॉन्ड्री मैन्स डोंकी. वो उनको समझाने की कोशिश करते रहे कि ये कुछ नहीं था, ये बस लॉन्ड्री मैन का एक डोंकी था, हुआ हैड बीन इन द बाथरूम विथ हिम, जो तुम्हारे साथ बाथरूम में आ गया था. बट हाउ कुड द एनिमल हैव गॉटन इन देयर. पर फिर सभी यही सोचने लगे कि आखिर डोंकी वहाँ पहुँचा तो पहुँचा कैसे. मिस्टर अली इंसिस्टेड दैट ही मस्ट हैव कम थ्रू द वॉल सिंस बोथ द डोर वर लॉक्ड. तो मिस्टर अली बोलते वो दीवार में से आया होगा बिकॉज दोनों डोर तो बंद थे. ही रिमेंड क्वाइट कन्विंस दैट इट वॉज एन ईवल स्पिरिट इन द फॉर्म ऑफ अ डोंकी दैट हैड अटैक्ड हिम इन द बाथरूम. तो वो उनको अभी भी ये लग रहा था कि कोई ना कोई भूत या फिर आत्मा ही थी जिन्होंने मुझे, डोंकी की आत्मा थी जिसने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की. Inside the house, घर के अंदर mother was sorting things out with the children. तो mother जो है वो children बच्चों से सब कुछ clear कर रही थी. she quickly understood who had done all this mischief. और वो बहुत जल्दी समझ गई कि ये सब जो naughty हरकत है ये किसने की है. And for once her patience had reached its limit. You may be sure that Payal got a spanking that she'll remember for as long as Mr. Ali will remember being attacked by an evil spirit. और उसके बाद जो mother थी उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने अपना आपा खो दिया और उसको इतना ज़्यादा चिल्लाया कि पायल अब हमेशा याद रखेगी, जब तक मिस्टर अली भी याद रखेंगे कि उनको एक आत्मा ने अटैक किया था, और उतने ही टाइम तक पायल को भी याद रहेगा कि ऐसी हरकत करने से क्या होता है. सो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम हार्ड वर्ड्स विद देयर वर्ड मीनिंग्स. सो टिल देन यू हैव टू प्रैक्टिस the reading, and in the next video we are going to start the exercises in copy as well as in the book.